जब भी आप कुछ करने का डिसाइड करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं, कुछ भी नया करने का सोचते हैं, तो ये मत सोचा करो कि हर कोई उसको अप्रिशिएट करेगा, हर कोई कन्फर्मेशन देगा कि हाँ सही है, और हर कोई आपको पसंद करेगा। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ में भी ऐसा होता है और काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि लोग पसंद नहीं करते, हेट करने लगते हैं। तो आप इस बात से टेंशन मत लिया कीजिए, क्योंकि हमें भी हर कोई पसंद नहीं होता, हमें भी कई लोगों की कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती, पर क्या वो लोग करना छोड़ देते हैं? इसी वजह से अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आती है, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, और किसी को पसंद नहीं आ रहा है और वो कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है कि भाई करते रहे, तो अभी आपको करते रहना है। तो कभी भी जो चीज़ करने का मन कर रहा है वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, हमेशा उसको करो। किसी को भी लेकर, किसी के थॉट को लेकर इन्फ्लुएंस नहीं होना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी सी गंदी हुई है, इसके पीछे का रीज़न सबसे पहले तो आप उसमें टाइटल में पढ़ ही चुके होंगे, बट फिर भी मैं आपको बताऊँ। ग्वालियर में जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, फिर बंद। बारात बारात का तो अपनों क्या ही करना है, कौन सी शादी हो रही है। स्विमिंग पूल भी मैं सोच रहा था इस बार अगेन ज्वाइन करने का, सिनेमा घर तो अपन जाते नहीं है, बट ये जिम, दिस यार, मेरा इतना मूड ख़राब हुआ है ना, इतना मूड ख़राब मैं आपको बता नहीं सकता। अब आपको ही पता है कि मैंने हफ्ता भर भी नहीं हुआ अपना प्रेप स्टार्ट किया है, पागलों की तरह ट्रेन कर रहा हूँ ऑनेस्टली, ऐसे खा रहा हूँ ना भूखों की तरह, बिल्कुल ज़बरदस्ती, मतलब लकड़ी फंसा ली और खाने में लगा हुआ हूँ अपनी पूरी मील को कंप्लीट करने के लिए। बट अभी इस मतलब ये यार, ये केवल होली तक के लिए बंद किया हो तो ठीक है, क्योंकि तब तक भीड़ होने वाली जिस वजह से, लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है ये कितने दिन के लिए बंद होने वाले हैं जिम्स, पर अगर ऐसे बंद हो गए तो बहुत दिमाग ख़राब है मेरा यार इस वजह से, मतलब और अगर बंद ही रहे, पुरानी जैसी स्थिति हो गई कि जिम खुल ही नहीं रहे, तो वाट लग जाएगी यार। अभी जस्ट मैंने अपने पूरा प्रेप का स्टार्ट किया, वर्कआउट और पूरा डाइट वगैरह, और एकदम जैसे बंद हो जाना, अब आज ट्रेन नहीं कर पाऊंगा मैं जिम में जाके ऑब्वियसली, बट कोई नहीं, देखते हैं कि जल्दी से जिम खुल जाएं। अभी ये केवल ग्वालियर का है, आप मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के यहाँ जिम खुले होंगे, बट मुंबई का और सुना था कि कहीं पर मुंबई में बंद हो रहे हैं जिम्स, पुणे में बंद हो रहे हैं, है ना, बैंगलोर, पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ पर जिम बंद हो रहे हैं, आप कहाँ से और कहाँ पर जिम बंद हो रहे हैं मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर तो आ गई है कोरोना को लेकर सख्ती, 8 दिन में धारा 144 के तहत दूसरा आदेश जारी। बच्चे क्यूट इसलिए लगते हैं क्योंकि दिमाग में भाव पैदा करने वाला हिस्सा सेकंड के 7वें भाग में ही जागृत हो जाता है। रिसर्च वो सब छोड़ो, पपी कितना क्यूट लग रहा है इसके साथ। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मम्मी बोलती है कि जिम नहीं जाना, मैंने कहा जा रहा हूँ ना, बस उठ रहा हूँ। मम्मी बोलती है कैसे जाएगा, जिम स्विमिंग पूल सारे बंद हो चुके हैं, फिर ये पेपर पढ़ा मैंने, कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्या ही करोगे। पर आप सोच सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा होगा, क्योंकि अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं, मैं अपना इतना खतरनाक वर्कआउट रूटीन पर, डाइट पर, मैंने इससे पहले ही अपना रूटीन शेयर किया है यार, सब चीज़ें बताई हैं, और एकदम से ये न्यूज़ आ जाना, मतलब अगर ये होली या मतलब मार्च एंड तक भी बंद रहेगा, तब भी पूरा वीक से ज़्यादा टाइम है, और तब तक होम वर्कआउट करना पड़ेगा। जिम की इंटेंस ट्रेनिंग को तो कोई भी बीट नहीं कर सकता यार, ऑब्वियसली जिम की ट्रेनिंग इज़ वे टू डिफरेंट देन होम वर्कआउट, बट लेट्स सी क्या होता है। प्रे करना जल्दी से सब कुछ सही हो और जल्दी से खुलें जिम्स वगैरह यार। पता चला जिम का? हाँ। जिम बंद, और अब जा रहे हैं बैंगलोर। बैंगलोर में ही बंद हो गए? वो नहीं, अभी बोला है कि 1 अप्रैल से जो बैंगलोर आएगा उसको नेगेटिव कोविड टेस्ट इज कंपलसरी, और तुम लोगों को वैसे हमारे बगैर बहुत करना था तो जिम बंद। बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा। आपको कैसा लग रहा है? ताजमहल, ताजमहल खुला हुआ है, जा सकते हैं वहाँ पर। और तू गया नहीं अभी तक? वही नहीं आई ना, लेकिन तू जाके यहाँ झेल नहीं पाएगा गर्मी जो होगी ना। हाँ चल सकते हैं, ताजमहल था, फोटो भी तो डालना है। हाँ तुमने ला जाएगा मेरा मस्त था। तो कैमरा नहीं लेके आया? नहीं, क्यों? बहुत जगह घेरता है, बहुत जगह घेरता है, हाथ में तो रहता है, जगह कहाँ घेरे। अरे गोदी बच्चे से ज्यादा वो रखना पड़ता है आपको, इतना इम्पोर्टेंटली कहा ख्याल रखना भी करता है क्या? बस वही रह गया, और खाना छोड़ के वो हाँ सारे करता है, और पता है उसको नीचे भी नहीं रखते, गोदी में पकड़ के रहना पड़ता है उसको, बेबी को थोड़ी देर के लिए नीचे छोड़ दो। महंगा बच्चा है वो, इसीलिए महंगा नहीं, बहुत
दुलारा बच्चा है, उस बच्चे को ले चलो तो कभी कभी मॉल में घुसने भी नहीं देते। बात बता देगा मेरी आंखों का मंजर, इश्क समंदर तंदे अंदर, इश्क समंदर तंदे। उसकी अगर जरा से हवा से अगर बंद हुई दरवाजा, अच्छा तो झटका ही हुआ। खतरों के खिलाड़ी अभी संचित भैया और अभिषेक सर कार देखने के लिए गए हैं, क्योंकि उन्हें कोई कार लेनी थी, बट वो वहाँ पर ग्वालियर में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर वो लोग देखने के लिए आए, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेने के लिए आए हैं। एंड मैम वगैरह को शॉपिंग करने के लिए गए, क्योंकि वो अगेन बैंगलोर जाने वाली हैं। एंड मैं यहाँ पर CCD में बैठकर कॉफ़ी पीकर एडिटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आज शाम को एक ब्लॉग अपडेट करना है, और 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं डाला हुआ है, तो उसको मैं एडिट करके आज अपलोड करने वाला हूँ। अभी ये लोग गाड़ी देखकर आ गए हैं। ये जो गाड़ी देखकर आए, मैं नाम नहीं बता रहा, छोटी सी गाड़ी है, और बोल रहे हैं कि तू जल्दी से ले लो उस गाड़ी को। बताना क्यों ले लूं मैं, क्योंकि बिल्कुल दमदार नहीं है। एक्सीलेटर में पैर रखो, बिल्कुल दम नहीं गाड़ी, आगे नहीं निकलेगी, आगे बढ़ेगी। एक्सीलेटर में पैर रखो, पड़ेगी नहीं। ये अपना है, प्याले में दो लोग, हमने इसलिए एक मंगाया क्योंकि एक प्याले में दो दोस्त अगर चाय पीते, उससे प्यार बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है। क्या बड़ा, क्या अंदाज अपने अपना नहीं देखी ना तूने? नहीं, ये पता अपने व्यूअर्स को, अंदाज अपना नहीं देखी। तो बहुत सारी मूवीज नहीं देखी मैंने, पर अंदाज अपना अपना यार, तू कैसे प्यार मोहब्बत बांटेगा, कैसे दोस्ती बांटेगा जब तूने अंदाज अपना अपना नहीं देखी है? तुझे तो यही नहीं मालूम कि जो रवीना थी वही करिश्मा है, और जो करिश्मा थी वो रवीना? अलग अलग है यार। अरे नहीं यार, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर ना, रवीना बजाज और करिश्मा बजाज, टंडन करिश्मा कपूर, रवीना 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 टंडन और ट्विंकल खन्ना सेम लगती है ना, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। करिश्मा है, तो करिश्मा है, वो रवीना है, तू तू है, वो है जिसके मार किधर है, तू तू है, मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो ये है। और जी ये क्या है? ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर मिश्रा है। दोस्तों मैं PhD कर रहा हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर। किसमें? किसमें PhD? अबे ये तो मुरझा गया, तू उससे हिला रहा है तो पकड़ के उसको। वीडियो एडिट हो चुकी है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं ना, बात करते करते कहीं भी निकल जाते हैं, वो रहेगा पीछे। सर हाय, हाय यश भैया, हाय, आपका बहुत बड़ा फैन हूं भाई, थैंक यू सो मच यार, यहाँ आप हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वहाँ से देखा, वहाँ से अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अच्छा है, इज इट गुड? बाय, ओके बाय बाय। चल अंदर जा, अंदर जा। थोड़ा सा लेट हो गया आने में, आज का वर्कआउट तो नहीं किया, होम वर्कआउट करने का सोचा था मैंने, बट वो मिस हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ मैं, 12 बज चुके हैं, बट अभी रनिंग मिस नहीं करना चाहता, तो रनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, और अभी गवर्नमेंट के आदेशों का इंतज़ार करेंगे कब तक वो लोग अनाउंस करते हैं कि कब जिम खुलेंगे, क्योंकि
सिनेमा मतलब थिएटर्स एंड स्विमिंग पूल का तो पता था कि बहुत टाइम तक बंद थे, बट बीच में जिम खोल दिए थे। आज के पेपर में जो आया है वो ग्वालियर के लिए आया केवल कि ग्वालियर में सिनेमा स्विमिंग पूल एंड जिम्स बंद रहेंगे, बट मैंने ऐसा सुना कि ऐसा हो सकता है कि पूरे MP के लिए एंड पूरे इंडिया के लिए भी आ सकता है। आई डोंट नो, बट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा धक्का पहुँचा है मेरे, वो मैंने जो पूरा प्लान किया हुआ था कि मैं अपना पूरा प्रेप मोड पर आ रहा हूँ, क्योंकि आज का वर्कआउट मिस हो गया और अभी काफ़ी दिनों तक वर्कआउट मिस होने वाला है। मैं होम वर्कआउट करूँगा एंड यू नो दैट कि होम वर्कआउट एंड जिम वर्कआउट बहुत डिफरेंट होता है जब आप प्रेप मोड पर हो या फिर गोल लेकर चल रहे हो। कोई नहीं, अभी देखते हैं कब तक वो लोग अनाउंस करते हैं कब जिम खुलेंगे। अभी मैं रनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मैं लेट हो गया था तो शेडो को ऑलरेडी ही रिक्की घुमाकर आ चुका है, तो अभी मैं इसको लेकर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रनिंग के टाइम पे अगर मैं इसको लेकर दौड़ूंगा मेरा इस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा ना कि रनिंग पर, तो इसको पहले से रिक्की घुमाकर आ चुका है। एंड यूजुअली जब रोज़ मैं रनिंग करने के लिए जाता हूँ ना तो पहले मैं इसको घुमाकर आता हूँ एंड देन उसके बाद मैं रनिंग करने के लिए जाता हूँ। सारे लोग बोलते हैं कि शेडो को बहुत सारा मतलब डाला करो वीडियो में, मतलब बहुत सारा पार्ट होना चाहिए शेडो का वीडियोस में। इतना प्यार है आप लोगों को भी शेडो से? एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कमेंट करते हुए कि जब वो लोग शेडो को देखते हैं तो उनको अपने डॉग की याद आ जाती है जो उनके साथ में पहले था, अभी जो डॉग है, मतलब मोस्टली लोग मिस कर रहे होते हैं अपने पुराने डॉग को कि मैंने देखा हुआ है कि मुझे देखकर अपने सिम्बा की याद आ गई, मुझे ऐसे देखकर अपने टॉमी की याद आ गई, वो ऐसा था वो वैसा था। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देखे कि आप इतना कनेक्ट करते हो शेडो से भी, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है इसको, मतलब कि आप लोग इसको भी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं तो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ इसको, तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है इसको लेकर जो भी कमेंट्स होते हैं उनको देख कर। जाओ बेटा जाओ, थैंक यू बोले यहाँ पर। इसको पहनकर रनिंग करने में और ज़्यादा फील आता है। जैसे ही मैं गेट से बाहर आया तो ये रोने लग गया, पैर मारने लग गया, क्योंकि इसको लगा कि मैं अकेले घूमने जा रहा हूँ। रोज़ की रोज़ मैं ही घूमने जाता हूँ इसको, तो इसको लगा कि मैं अकेला घूमने के लिए जा रहा हूँ, इसको लेकर नहीं जा रहा। तो अभी मैंने रिक्की से भी बोल दिया कि तू आ जा, ये साथ में इसको घुमाता रहेगा और मैं रनिंग करता रहूँगा, जिससे इसको लगे कि हमारे साथ में ही घूम रहा है। आ जा ले यार, पानी की बॉटल। ये मान नहीं रहा है रिक्की को, घसीट रहा है इधर से उधर क्योंकि मैं रन कर रहा हूँ। एंड इसको लेकर आना वही चीज़ है कि अकेले रन नहीं कर पाऊँगा अगर मैं इसको लेकर आ रहा हूँ तो, क्योंकि इसको साथ में दौड़ना होता है मेरे। अभी वैसे भी मैं रनिंग का इतना यूज्ड टू नहीं हूँ, तो मेरी भी रनिंग इम्प्रूव होगी एंड शेडो भी इस तरीके से डल जाएगा कि वो मेरे साथ में उसी स्पीड में दौड़ने लग जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एवरीडे जब भी रन करूँ तो इसको साथ में लेकर रन करूँ, जिससे मेरे साथ में दौड़ना भी सीखे, साथ में रन करता रहे, और ऑब्वियसली इसके लिए भी अच्छा ही है। पहले मैं सोच रहा था कि पहले इसको घुमा के लाऊं, फिर मैं रनिंग करने जाऊं, बट आई गेस वो आइडिया गलत है क्योंकि फिर ये भी सोचता रहेगा कि ये मेरे को घुमाने के लिए नहीं ले जा रहा, अकेले दौड़ने जा रहा है। और अगर मैं इसको साथ में घुमा कर रनिंग करवा कर अपने साथ में ट्रेन कर सकता हूँ तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। चले आ जा।